5th standard maths part 1 chapter 1 roman numerals the letter I was the symbol used for 1 v for 5 and x for 10 so roman numerals kya hote hain kuch aise symbols jo number ki jagah use kiye jate hain jaise letter I 1 ki jagah use kiya jata hai 5 v 5 ki jagah use kiya jata hai and x 10 ki jagah use kiya jata hai so ye kuch सिंबल्स है लेटर्स है जो नंबर की जगह यूज़ किए जाते हैं सो इसमें कुछ रूल्स है चलो देखते हैं इसमें क्या रूल्स है रूल नंबर 1 इफ आइदर ऑफ द सिंबल्स आई और एक्स इज रिटन कॉन्सिक्यूटिवली 2 or 3 टाइम्स द सम टोटल इज द नंबर दे मेक रूल वन में क्या है आई और एक्स कॉन्सिक्यूटिवली 2 or 3 टाइम्स लिख सकते हैं 2 or 3 टाइम्स उससे ज़्यादा नहीं और उसका सम होगा जैसे आई आई है तो ये दोनों का टोटल होगा आई फॉर 1 एंड आई फॉर 1 सो 1+1 इक्वल्स टू 2 एक्स 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 फॉर 10 सो एक्स फॉर 10 प्लस एक्स फॉर 10 मीन्स 10+10 इक्वल्स टू 20 आई 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 मीन्स 1+1+1 इक्वल्स टू 3 रूल नंबर 2 द सिंबल्स आई और एक्स कैन बी रिपीटेड कॉन्सिक्यूटिवली फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 3 टाइम्स द न्यूमरल वी इज नेवर रिपीटेड कॉन्सिक्यूटिवली नंबर 2 में आई और एक्स मैक्सिमम ऑफ 3 टाइम्स रिपीट हो सकता है बट वी 2 टाइम भी रिपीट नहीं हो सकता वो बस 1 टाइम रिपीट हो सकता है एग्जांपल आई 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 3 टाइम्स रिपीट हुआ है तो इसका टोटल क्या हो जाएगा सम हो जाएगा 1+1+1 इक्वल्स टू 3 इधर पे x x x इसका भी सम होगा 10+10+10 इक्वल्स टू 30 अब यहाँ पे v v v है सो v को सिर्फ 1 टाइम लिख सकते हैं 2 टाइम्स या 3 टाइम्स नहीं लिख सकते तो ये रॉन्ग हो जाएगा रूल नंबर 3 व्हेन आइदर i और v इज रिटन ऑन द राइट ऑफ द सिंबल ऑफ द बिगर नंबर इट्स वैल्यू इज एडेड टू द वैल्यू ऑफ द बिगर नंबर में बताया गया है कि आइदर वी और आई कोई भी बिगर नंबर के राइट साइड में होता है तो ऑलवेज उस नंबर से ऐड होगा रूल नंबर 3 में बताया गया है आइदर आई और वी किसी भी बिगर नंबर के राइट साइड में अगर लिखा जाता है तो ऑलवेज उस बिगर नंबर से ऐड होगा सो अपन देखते हैं कैसे एग्जांपल वी आई v बड़ा है i से एंड i बिगर नंबर के राइट साइड में है तो ये बिगर नंबर से ऐड होगा सो कैसा हो जाएगा v फॉर 5 प्लस i फॉर 1 सो 5+1 इक्वल्स टू 6 नेक्स्ट है x i x बड़ा है एंड i छोटा है x 10 i 1 सो 10 के राइट साइड में i है मीन्स 1 है सो वो उससे ऐड हो जाएगा 10+1 इक्वल्स टू 11 देन एक्स वी आई एक्स फॉर 10 वी फॉर 5 एंड आई फॉर 1 सो एक्स के राइट साइड में है वी एंड आई सो वो उससे ऐड हो जाएगा 10+5+1 इक्वल्स टू 16 देन वी आई 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 3 टाइम्स आई मीन्स 3 सो वी के राइट साइड में 3 है तो वो उससे ऐड हो जाएगा 5+3 इक्वल्स टू 8 रूल नंबर 4 व्हेन i इज रिटन ऑन द लेफ्ट ऑफ द v और x देन इट्स वैल्यू इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ v और x हाउएवर द सिंबल i इज नॉट रिटन मोर देन वंस बिफोर v और x फॉर्म में बताया गया है जब भी अपन i v और x के लेफ्ट साइड में लिखते हैं तो हमेशा i v और x से माइनस होगा एंड i को हमेशा 1 टाइम लिखा जाता है वी और एक्स के लेफ्ट साइड में सो चलो देखते हैं अपन इसके एग्जांपल्स आई वी के लेफ्ट साइड में लिखा है सो वह उससे माइनस हो जाएगा 5-1 इक्वल्स टू 4 आई एक्स ना आई एक्स के लेफ्ट साइड में है सो वो भी उससे माइनस हो जाएगा सो 10-1 इक्वल्स टू 9 आई आई एक्स अभी x के लेफ्ट साइड में 2 टाइम्स लिखा है अभी आपको बताया गया था कि x और v के लेफ्ट साइड में i 1 से ज़्यादा नहीं लिख सकते
सो ये रॉन्ग हो जाएगा। अगर अपने को 8 को लिखना है तो अपने को लिखना पड़ेगा वी आई आई आई, 5 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 8, तो ये रॉन्ग है।